श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन का आयोजन अलवर में किया गया। इस दौरान रंग बिरंगी रोशनी व फूलों से सजे रथ में गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में बैठाकर रागी जत्थों की गुरुवाणी से माहौल भक्तिमय हो गया। यहां गुरु हरि किशन पब्लिक स्कूल के बच्चे गुरुवाणी का उच्चारण व सड़क बुहारते हुए नजर आए। कोरोना गाइडलाइन के चलते पिछले दो बार से यह आयोजन निरस्त करना पड़ा था। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के तहत स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारे सहित सभी गुरुद्वारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। गुरुद्वारा कमेटी से जुड़े हरमीत सिंह ने बताया कि यह आयोजन 19 नवंबर को लंगर के साथ समाप्त होगा। बुधवार को शाम को अशोका सिनेमा स्थित मालाखेड़ा गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया, जो शाम करीब 4 बजे शुरू होकर कंट्रोल रूम, गुरुद्वारा सुखधाम, होप सर्कस, घंटाघर और काशीराम का तिराया होते हुए रोड नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे में संपन्न हुआ। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 2020 में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में 2020 में शोभा यात्रा शहर में नहीं निकली। इस बार गुरु नानक देव जी की कृपा हुई है सब भक्तों पर और उनके 552वें प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन निकाला गया। शहर के सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सबके स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ मैं राकेश अरोड़ा, जिला अध्यक्ष पुरुषार्थी समिति अलवर। नगर कीर्तन में संगतें सतनाम वाहे गुरु का सिमरन करती हुई चल रही थी। इससे पूर्व गुरुद्वारा सुखधाम में नगर कीर्तन में चल रहे पंज प्यारों रागी जत्थों का सिरोपा भेंट कर सम्मान किया गया। वहीं काशीराम तिराहे पर पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का अभिनंदन किया गया। नगर कीर्तन देर शाम भगत सिंह चौराहे से गुरुद्वारा सिंह सभा स्कीम नंबर 2 में संपन्न हुआ। इस मौके पर सिख व पंजाबी समाज सहित आम जन ने भी नगर कीर्तन का स्वागत किया। 552 गुरु पर्व पर यहाँ स्वागत तैयार किया, माला भेंट की, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से ये आयोजन नहीं संभव हो पा रहा था कोरोना के कारण। इस बार जाति समाज ने अपना पूरे जोश और भरोसे के साथ में यहाँ पे इनका स्वागत किया है और सभी से सभी के भले के लिए और स्वस्थ के लिए काम करता है।